पठानकोट में कैटल पाउंड पिछली भाजपा सरकार की उपलब्धियों की लिस्ट में प्रमुखता से शामिल है, लेकिन आजकल इसके बावजूद शहर भर में बेसहारा पशुओं की तादाद घटने का नाम नहीं ले रही। शहर भर की गलियों में बेसहारा पशु घूमते नजर आते हैं, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। शहर के बुद्धिजीवी निगम कमिश्नर पर बेसहारा पशुओं के मुद्दे पर सवाल दागते दिखे, जिनके जवाब मिलना बेहद जरूरी है। जेड़ा काम नगर निगम नगर निगम जी पठानकोट की हैगी पूरे पंजाब निकम्मी नगर निगम है, कोई किसी किस्म का काम नहीं होता। आवारा पशुओं की गल छो, दूजे पशुओं की तस्करी भी पूरे जोर है, पूरे जोर इन लोगों कई दफा कह चुके हैं कि जेडे आवारा पशु जिन्हों की वजह कई बेचारे बजुर्ग जी अपनी लत्त तड़ा बैठे ने, लेकिन इन्हों के कना के जो नहीं सरकती। कई गऊशाला शहर के आले दुआले बनिया, गऊशाला वाले भी जोड़े है इन लोगों लैन तो मना करते, भी ये जो डंगर है उन्होंने भी वो डंगर चाहिए जो दुध देंदे हो, जिन्हों की सेवा करके कुछ हासिल हो सके। लेकिन सरकार डीसी साहब नगर निगम जी है अपनी जिम्मेवारी तो भज रही। देखो जी, शहर के कैंडल पॉइंट भी बनया हो, गऊशाला भी बड़िया बनिया, फिर भी बेसहारा पशु जोड़े ना वो बाजारा बच्चे मंडी च इधर ट्रक यूनियन च गलिया च मोहल्लिया तू आम देखने मिलने। समझ नहीं आती सिविल प्रशासन की भी क्यों नहीं ये इस और ध्यान दिता। इन्हों चाहिए भी जो कैंडल पॉइंट बनाया कर्मचारी कमेटी के ट्रस्ट के ला के तो उन्होंने फड़ के कैंडल पॉइंट भेजा जाए, जा कुछ गऊशाला भेजा जाए। क्या यह गऊशाला दुध उतर गाइया नहीं है, जड़ियाँ गाइया दुध दिंदा उन्होंने बड़े प्यार अंदर रख देना, और जोड़े पशु बहर फिरते पे ना उन्हों की सेवा नहीं करते। मैं तो कहूँगा यह गऊशाला नहीं है, यह एक व्यापार आ और व्यापार कर रहे हैं, और तुम देखो ग्राइया भी करते हैं, लोग इन्हों पैसे भी देंगे ना, फंड भी देंगे ना, फिर भी ये लोग गऊ अपने बेसहारा पशुओं ये कैंडल पॉइंट नहीं पहुँचाते, ना गऊशाला पहुँचाते, ना वो इस तरह ही फिरते रहते हैं, और आए दिन कोई ना कोई यहोजा हादसा हो जाता जिद अगले अपनी जान गुआनी पैंती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਫਚਰਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। तो जे बने तो वे सानू चाहिए भी ये पूरी तरह के नाल अपने सही ढंग काम करना चाहिए, और जड़ा गऊं या साड़ वगैरह जो लोग एक्सीडेंट वगैरह होंगे है या साढ़े शहर के अंदर काफ़ी तो ज़्यादा दिक्कत आदि ये वो इन्हों पूरी नकेल पानी चाहिए। इस करके भी प्रशासन अगे डीसी साहब अगर साड़ी मंग है बेनती है कि ध्यान दिता जाए इस गल। ऑकलैंड पब्लिक स्कूल त्रहटी शाहपुरकंडी जुगियाल पठानकोट proudly announces opening of admission from nursery to 12th class. School is endowed with lush green and peaceful campus spread over 5 acres of land. We use latest educational technology and believe in providing the best education the child deserves. We have well-equipped labs for science and computer. Also, well-equipped library for cultivating reading habit among the learners. Affordable fee structure and scholarships. Conveyance also available. Auckland Public School, Trehti, Shapurkandi, Jugyal, Pathankot. Feel free to call us on 70875-36789. 70875-46789. वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।